गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीपीएस फॉर स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी सेकंड। टुडे आई विल बुक फिलिंग लेसन नंबर 3 खंड नंबर हाफ। सही गलत, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने सही के सामने आपको टिक लगाना है और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। नंबर 1, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यस। नंबर 2, व्याकरण में निरर्थक शब्दों का भी विचार होता है। नहीं। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यस। नंबर 4, दूर शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई भी अर्थ निकलता है। नहीं। क्रॉस। विदेशी भाषाओं से आए शब्द देशज कहलाते हैं। नंबर 5, क्रॉस। रिक्त स्थान भरिए। नंबर 10, रिक्त स्थान भरो। नंबर 5, भाषा में खाली जगह का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। शब्दों का भाषा में शब्दों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे अर्थ। नंबर 3, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, वे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। नंबर 5, ऐसे शब्द जिनके स्रोत का पता नहीं चलता देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 8, प्रारंभ में देखिए निम्नलिखित शब्दों के सामने अरबी अंग्रेजी फारसी तुर्की पुर्तगाली फ्रांसीसी लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है नुकसान। नुकसान के साथ से लिया गया है अरबी, गुब्बारा फारसी, पेन अंग्रेजी, साबुन पुर्तगाली, बिगुल फ्रांसीसी, सिफारिश फारसी। नंबर 7, अखबार अरबी, आप जमीन फारसी। नंबर 9, कमीशन अंग्रेजी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के दो दो विकारी शब्द लिखिए, जैसे अच्छा अच्छी अच्छे, काला काली काले। ये आपका लेसन फिनिश हुआ, इसको आप घर पर कंप्लीट करिए। ओके, जय हिंद।